मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। मेयर साहब बात कर रहे, चुप। चाहे भले ही वो एडिट हो, चाहे वो फर्जी हो, लेकिन मेरे पास जो वीडियो है उसमें पंचायत में सभी लौटा फालिया में अंदर बैठे। नहीं तो जब तक आप ये देशद्रोही नहीं, ये प्रूफ निकल लेना, हम ये दाग लेके नहीं जा सकते। आप हमारे लॉकअप में भेज दीजिए, या तो आप ये बोलिए एडिट है। अरे सर, आप देखिए, आप हमारे पे कलंक लगाए सर, आप हमारे को क्या बोले, हमारे स्टेज पे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब आप बोल रहे एडिटेड वीडियो आई जिसमें आवाज साफ नहीं है, या तो फिर हमको बोल दीजिए कि वो गलत वीडियो है तो क्या हम चले आते। अगर आप गलत वीडियो नहीं है बोले तो हमारे को एक 3-4 जने जो जिम्मेदार है हम लॉकअप में बढ़ जाते, क्योंकि हम ये दाग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर ले जा सकते। नहीं, नहीं चलिए, ये वीडियो हो सकता गलत हो, हो सकता है गलत है। और साहब हम अल्ताफ और एक होने नहीं देंगे, याद रखिए आप, ये ऐसा नहीं आप आए मुसलमान को उठा के लेके गए। इंक्वायरी करें आप, क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है, ये फिर क्या बदल सुने कैसा बोले। पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात नहीं, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नाराजी है हम ये बोल के, और आपके SHO साहब आके तंग के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन भाई बहुत है, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को, जो क्या ठोकर की जूती समझे, नहीं अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना मां को मारने की, मार दीजिए। अरे आप तो वही से ना, कोई दूसरे नारा सुन के आप वो नारा बोल के आ गए आप, प्रूफ करिए सर, प्रूफ करिए, अप्रूव करिए, अप्रूव करिए, आप प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। प्रूफ कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर केस, यहाँ बैठ जाएंगे हम, या तो हमारे बच्चे को जीता, आपके ऊपर केस होना, आपके ऊपर केस होना। अरे ऐसा कैसा हमारे पे देशद्रोह, क्या देशद्रोही समझे हमारे को आप साहब। अरे अभी तो आप आंख पे आ रहे थे, पता नहीं कोई वीडियो बोल रही थी। अरे घरों में तो बाबू तुम कौन है, ये कौन है, किलो ठहरे में ना तो बच्चू ठहरना। आप लोग चर्चा आप लोग कौन है, पवन राम अम्बेडकर हमारे सुने आप, ये लोग कान में सुनाई दिया है, बाकी जारी वो है क्या, ठहरा है क्या, आप उठा के ला दीजिए कुछ। अरे हमारे पेज से लाइव चला है, लाइव चला आप कहीं पे एक शब्द हो ही नहीं सकता, और आप तो यकीन मानिए कहीं हो ही नहीं सकता है। हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, तो थोड़ी कोई ऐसी अपशब्द बात हो जाएगी। अरे आप मालूम करना था, पूछना था आपके आप 10 पूरी वीडियो क्लिप रिपोर्टर, आपने 10 रिपोर्टर बुलाए हैं, आप लोग भी पूरा सारी वीडियो क्लिप कराई है। कितने रिपोर्टर कवर करे आपने, तो लाइट चलाया भी है। अरे आप देखना था कहीं दूर से क्या की आवाज आ रही, ब्लिंक आवाज आ रही, और आप लोग सुन लिए, हम जरूर सुने। अरे जो सुने उनको बुलाइए ना, देख रहे हैं, देखो क्या हक है सर, ये पुलिस थाना है, ये पब्लिक के लिए है, आप हमारे अंदर बाहर नहीं कर सकते ऐसा। हमारे जिला लेकर क्या कह रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हम जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हमारे पूरा लाइव चला हुआ है उस पे, हमारे सारे पेज पे घसीटते हुए लेके आए, बोलिए घसीटते हुए लेके जी। अब आप प्रूफ करिए सर हमें, नहीं अगर प्रूफ सर आपका नाम प्रूफ नहीं कर सकते तब क्या करेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा आपको, प्रूफ करना। अरे आपको 200 वीडियो मैं बताऊंगा हमारे पेज पे से बताऊंगा, आप आइए रिपोर्टर को वीडियो देखिए, उसके बोर्डर भी थे वहाँ पर, वहाँ पे आप एविडेंस सर, ये ऑफिसर हम मुसलमान सर। आप शेयर करिए, सब शेयर करिए, एक मिनट दोनों।
सारी मीडिया मौजूद है। आप सुने साहब जी, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने, आपको कहाँ से सुने आया साहब, आपको कहाँ से सुने आया, मीडिया है आपके कान में पाकिस्तान है, आप हमारे सुनाते हैं मीडिया मौजूद है, मीडिया में क्या कान का फोन आ रहा है, क्या बात है, बोलिए इनके ऊपर एक्शन लेना, बताओ इनके ऊपर एक्शन लेना, हमारे जिला सदर को मार लेते लेके आए, उसको गाली दिए, क्या हक से गाली दिए साहब, झूठे विधान से मारिए साहब, मारिए क्या करना चाह रहे आप, अरे कहीं का प्रूफ, अरे सर यू आर ए ऑफिसर दैट इज नॉट ए प्रूफ, यू विल बी साहब ऐसा झूठे इल्जामों के साथ आप मजलिस को नहीं रोक पाएंगे, आप मजलिस को नहीं रोक पाएंगे झूठे इल्जामों के साथ, वो प्रूफ करके देगा सभी चीजें।